मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बहुत 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 खूबसूरत मॉर्निंग हो। कैसे हो तुम लोग? माहौल हकी मेम्बर्स और मेरे सब्सक्राइबर, तुम्हारा वेलकम है एक फ्रेश न्यू जगह पे। मैं अपनी मीटिंग के लिए आया था और देखो कितना एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ। अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद मैं घूमने निकल गया। क्या गेस कर सकते हो कि मैं कौन से कंट्री में हूँ या कौन से सिटी में हूँ? गेस कर सकते हो? अगर गेस कर सकते हो, अगर पीछे का बैकग्राउंड देख करके, तो नीचे कमेंट में लिखो कि कहाँ पे हूँ मैं। इतना खूबसूरत प्लेस मैंने देखा तो था, मैं हम लोगों ने देखा है कि पेट्रा कितना खूबसूरत है जॉर्डन में। मैंने एक से एक खूबसूरत सिटी देखा, आपको भी दिखाया। हम लोगों ने देखा कि पेट्रा कितना खूबसूरत था, पूरा का पूरा लाइट पिंक गुलाबी कलर का पत्थर से पूरा का पूरा शहर बना हुआ था। और पिरामिड्स देखा हमने, पूरा का पूरा लाइट ब्राउन कलर से पूरा का पूरा शहर ढका हुआ था पिरामिड्स और इजिप्ट, वो लाइट ब्राउन कलर से। और न्यूयॉर्क में तो तुमने देखा ही है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, मुझे ऑफिस एरिया से, वहाँ तो दिन रात लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स से चमकते रहता है पूरा न्यूयॉर्क। और अभी तक नहीं गेस किया है तो गेस करो कि मैं कहाँ पे हूँ, और नहीं किया है तो अभी देखेंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ रशिया का कैपिटल मॉस्को, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कलरफुल सिटी इन द वर्ल्ड। अब ढूंढ मुझे, मैं कहाँ पे हूँ। अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ तो मैं देखो यहाँ पे हूँ। और ढूंढते ढूंढते हमें मिल गया टेक्नोलॉजी का ये नज़ारा। पीछे देख रहे हो, ये जो हॉल है, ये हॉल वही है यहाँ पे मॉस्को में जो बहुत ज़्यादा इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। ये रेड स्क्वायर के पास का इलाका है और रेड स्क्वायर को हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं मॉस्को का। सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल चर्च यहाँ मॉस्को में। तो आओ मेरे साथ चलते हैं। Welcome to Russia. जब मैं यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन हर जगह चल रहा है और ये सारी चीज़ क्रिसमस के लिए रेडी हो रही है और अभी से सारे कुछ रेडी हो गया। और लोग देखो ये अपने ट्रेडिशनल यहाँ पे अपने रशिया के ड्रेस में, और ब्यूटीफुल लेडी और एक हैंडसम यंग मैन मुझे यहाँ पे मिले और कितने प्यार से गले लगाया। और ये पूरे इंडिया को इन्वाइट कर रहे हैं कि कम टू रशिया, कम टू मॉस्को और घूमो यहाँ पे, हम लोगों के सबके साथ घूमो, कम टू मॉस्को। तो घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए यहाँ पे मॉस्को की स्ट्रीट्स पे, और मार्केट है इलाका यहाँ पे, और इसी में ही ये पूरा का पूरा जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन जो स्टार्ट हो गया। डेकोरेशन जो है बहुत बड़े लेवल पे डेकोरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो क्रिसमस जो मनाया जाएगा यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में और अमेरिकन कंट्री में भाई क्रिसमस जो होता है वो बहुत बड़ा हॉलीडे। मुझे खुद क्रिसमस की जो हमारी हॉलीडेज होती है अमेरिका में बहुत लंबी होती है। लोग ये मान लो कि 15 दिसंबर के बाद से लेकर के 10 जनवरी तक सबका जो मन हो जाता है ना कि वो बस अब हॉलीडे स्टार्ट हो रही, अब कुछ नहीं, अब जो है सारा काम ख़त्म और न्यू ईयर और क्रिसमस सारी चीज़ें एक साथ सेलिब्रेट होगी। देखो हर एक जगह का जो क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है वो धमाकेदार होता है, और क्रिसमस सेलिब्रेशन पूरा नहीं होगा जब तक एक बहुत बड़ा सा क्रिसमस ट्री नहीं होगा। और क्रिसमस ट्री ये कोई आर्टिफिशियल नहीं लगाया जाता है, और क्रिसमस ट्री सही में एक जगह से प्लांट करके जो फॉरेस्ट में से वहाँ से पूरा का पूरा ट्री के मतलब जड़ से उठा करके उसको ला करके यहाँ पर रखते हैं, और उसके बाद उसको फुल डेकोरेट करते हैं और फुल सजाते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। वहाँ पर दिखाया था मैंने न्यूयॉर्क सिटी में, जो मेन सिटी के अंदर में जो होता है कि एक रेस्टोरेंट है उसके पास में ही सबसे बड़ा वाला क्रिसमस ट्री ला करके पूरा डेकोरेट किया था, और सब लोग घेर करके एक सेक्रेट क्रिसमस ट्री की तरफ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये देखो पहले से आ गया है, और अभी से इसका जो ये है तैयारी स्टार्ट कर दी गई है ताकि जब तक क्रिसमस आ जाएगा तब तक ये पूरी तरीके से डेकोरेट हो जाएगा और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्रिसमस के टाइम में। Here, stand and make a wish.
तो यहाँ पे चर्च में कहा जाता है कि बहुत सीक्रेट जगह है यहाँ पे, जहाँ पे आप खड़े होकर के एक 10 रूबल का सिक्का लेकर के आप थ्रो करते हो और जो भी विश मांगोगे वो आपको पूरा करते हैं। तो हम लोग भी ट्राई करते हैं और एक विश करते हैं और एक सिक्का जो है फेंकते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो दुआ करते हैं और विश करते हैं और ये करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह। इतना खूबसूरत ये पूरा का पूरा सिटी जो हम लोगों ने घूमा और देखा कि पूरा का पूरा सिटी जो है वो कलरफुल है, चर्च से भरा हुआ है, सी शोर है, मॉस्को का मस्कावा रिवर है और पूरे के पूरे लोग जो है यहाँ पे पूरा एनर्जेटिक और घूमते रहते हैं। देखो यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, जो यूरोपियन कंट्री जो फेमस है और ये रशिया में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है वो दिख रहा है कि एक रिवर क्रॉस करके ऊपर से एक ब्रिज है और इधर से एक पाथवे है, यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो व्यू होता है ना कि सिटी के बीच से एक रिवर जाती है और वो रिवर देखो यहाँ से सिटी के बीचों बीच से जा रही है और ऊपर से फिर पाथवे है और इतना मूवमेंट जो है खूबसूरत व्यू देता है। और ये डेफिनेटली कितना पूरा का पूरा व्यू जो है बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। मैं हूँ मोस्कावा रिवर के किनारे जो मॉस्को से क्रॉस करती है और देखो सिटी के बीचों बीच से एक डीप जो रिवर है वो क्रॉस करता है। इस पर शिप्स बहुत ज़्यादा चलते हैं और इस साइड से उस साइड जाने के लिए जिस तरह हमारे न्यूयॉर्क में कॉन्सेप्ट है कि इस साइड से अगर इस साइड के अदर साइड में जाना है आपको तो आपको वाटर टैक्सी देना पड़ेगा, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है पुल बनाए गए हैं जो कि इस पार्ट से आप दूसरे पार्ट में जा सकते हो। और जैसा हम लोगों ने देखा जब भी टैक्सी की तो इस पार्ट से उस पार्ट में जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, इजीली मिल गई टैक्सी और ऐसा ज़रूरत नहीं था कि हम उसका फेयर पे कर रहे हैं वाटर टैक्सी का और फिर इस पार्ट ऑफ द रिवर का दूसरे पार्ट ऑफ द रिवर से हम क्रॉस करें। तो देखो यहाँ पे मैं रिवर के ऊपर हूँ और ये पेडेस्ट्रियन पाथवे है, लोग यहाँ से आना जाना करते हैं और कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से दिख रहा है मॉस्को का और रियली बहुत डिफरेंट और बहुत ब्यूटीफुल लुक हो रहा है कि रिवर के ठीक ऊपर और यहाँ से थोड़ी दूर पे बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ चर्च और हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे चर्च मिलेगा और एक पुल जो अदर साइड में भी है जिसपे से लोग आना जाना क्रॉस करते हैं। और शिप को जो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वाटर टैक्सी है और अवेलेबिलिटी बहुत फ्रिक्वेंटली है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट। तो ये फ्रेंड देख रहे हो कि हम मोस्कावा रिवर क्रॉस करती है मॉस्को सिटी से और सिटी के बीचों से बीच जाती है और रियली बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है सिटी के बीचों बीच से जाती है। तो और ये जो टनल है जिससे सिटी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती है पेडेस्ट्रियन के लिए और सबसे अच्छा है तो घूमने वाले के लिए, एक्सरसाइज करने वाले के लिए, और रिवर का एक्सरसाइज और रिवर का तो बे एरिया जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो चलते हैं हम लोग और खूबसूरत नज़ारा देखते हैं और घूमते हैं। और अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अच्छा लगा हो तो कमेंट करो और हमसे पहली बार मिलो तो सब्सक्राइब करो। चलते हैं आगे।